एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी नेल्स। आज हम करेंगे एवरीडे मेकअप, लाइक आई शो यू माय एवरीडे मेकअप रूटीन। सो ये वाली वीडियो मेरी एक फॉलोअर ने रिक्वेस्ट की थी एंड आई थॉट व्हाई नॉट डू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय रूटीन। मैंने अपना फेस ऑलरेडी वॉश कर लिया है, स्क्रब कर लिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मेकअप करते हो। स्क्रब करने से आपकी सारी डेड स्किन उतर जाती है और जो भी अननेसेसरी इम्परफेक्शंस होते हैं आपकी स्किन पे, टेक्सचर होता है, इट बिकम्स अ लिटिल इवन आउट। वो थोड़ा सा स्मूथ लुक देता है फेस पे, तो इट्स बेटर टू डू इट। आप कोई भी फेशियल स्क्रब यूज़ कर सकते हो एंड देन वॉश योर फेस। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग अ लॉट ऑफ एक्ने इफ़ यू हैव क्लियर स्किन, ओके। और इसके बाद सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़ किया है, विच इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें कोई भी मेकअप लगाने से पहले अपने फेस को। मैंने यूज़ किया है चिया सीड नो शाइन मॉइस्चराइज़र। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट ऑन माय फेस, ओके। देन आई विल स्टार्ट विद प्राइमर। दिस इज़ इनिस्फ्री प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो जो भी आपकी फेस की स्किन को सूट करे। ये मुझे सूट करता है एंड इट गिव्स हेल्प मी थोड़ी सी इवन टेक्सचर के लिए। अगर आपकी पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो ये बहुत हेल्प करेगा ताकि आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग ना हो और आपका फाउंडेशन या जो भी आप फेस पे लगा रहे हो वो थोड़ा सा इवन आउट लगे। I have a little pores on my cheeks and little on my forehead, mostly because of acne. क्योंकि ये एक normal girl की everyday makeup routine है, मैं अपनी fingers से ज़्यादा use करूँगी instead of using brushes or beauty blenders. अगर आपको चाहिए कि ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रशेस के साथ भी मैं टेक्निक कोई दिखाऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, आई विल डू दैट एज वेल। सो वी आर डन। देन वी नीड आवर कंसीलर। दिस इज आल्सो बाय इनिस्फ्री। इससे पहले मैं मियोन का कंसीलर यूज़ करती थी, विच आई गॉट फ्रॉम पास की दुकान, द लोकल कॉस्मेटिक्स। वो भी काफ़ी अच्छा था, आई रियली लाइक दैट। अगर मुझे मिला तो मैं दोबारा खरीदूँगी। ये अच्छा है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको रेगुलर यूज़ चाहिए तो यू कैन लाइक गो फॉर the affordable ones that are available. Lakme में मेरा shade available नहीं था तो मैंने Lakme का भी नहीं try किया। Maybelline का मैंने सुना है अच्छा है, अगर आपने try किया तो please मुझे comments में बताएं। So just cover up your imperfections, जो भी आपको लगता है कि cover करनी है आपके face पे। दिस इज मोस्टली टू हेल्प यू नो एक्ने के स्कार्स वगैरह, या फिर कुछ लगाओ फेस पे चोट वगैरह, उसको कवर करने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट अगर आपको नहीं करना तो मत करो, इट्स ऑल ऑन यू। कंसीलर मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगना हो, लाइक आई हैव टू गो टू सम फैमिली डिनर और समथिंग। इसको आप डैब करते हुए यू नो थोड़ा सा एडजस्ट करें अपने फेस पे, ऐसे ना लाइक स्क्रब ना करें फेस पे, उसको हल्का सा डैब करते हुए ही ब्लेंड करना है, ओके। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करते हो या ब्रशेस यूज़ करते हो, यू कैन यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर दिस, इट हेल्प्स अ लॉट, ओके। सो लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, मैं कंसीलर लगाने के बाद और फाउंडेशन लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देती हूँ अपने फेस पे,
बीच में बाकी कुछ और काम करने के लिए, तो उससे ना हेल्प होती है कि सब कुछ ना फेस पे थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा सा बैठ जाता है, आपकी फेस की जो हीट है, स्किन की जो हीट है वो उसे ब्लेंड करने के लिए बड़ा अच्छा हेल्प करती है। तो इससे पहले कि आप कोई फेस पाउडर लगाएं या बाकी कोई मेकअप अपने फेस पे लगाएं, तो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें ताकि आपका जो मेकअप है वो केकी ना लगे, थोड़ा सा फ्लॉलेस लुक आए। मैं आई शेडो भी लगाऊंगी, तो मैं कंसीलर थोड़ा सा अपने आईलिड्स पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्राइमर नहीं है आईज के लिए, मैं अपना कंसीलर ही यूज़ कर लेती हूँ, विच आई थिंक वर्क्स बेस्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे इतना अंडर आई इशू नहीं है या फिर मेरी आईलिड्स इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, सो आई जस्ट यूज़ अ लिटल ऑफ माई कंसीलर। वॉट डू यू गाइज यू टेल मी इन द कॉमेंट्स प्लीज। हाँ, वन मोर थिंग, आई हैव टू फाउंडेशंस, मैं दो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, एक है मेरा सस्ता वाला फॉर एवरीडे यूज़, एक है मेरा थोड़ा महंगा वाला फॉर ओकेजनल यूज़, व्हेन आई वांट टू लुक राइट बहुत अच्छे, जैसे किसी की वेडिंग हो, किसी की फंक्शन हो, या फिर व्हेन आई वांट माय मेकअप टू लास्ट होल डे, यू नो होल डे व्हेन आई वांट इट टू सर्वाइव, पूरा दिन जब चलाना हो, तो मैं अपना इनिसफ्री का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। इसमें आपको अपना खुद का पॉइंट यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप स्टोर पे जाके बात कर सकते हो, आपको कितनी कवरेज चाहिए, कितना आपको उसमें ड्यूइनेस चाहिए या मैट लुक चाहिए, तो मुझे सेमी ड्यूइनेस चाहिए थी एंड फुल कवरेज चाहिए थी, फुल कवरेज के लिए 5 है एंड ड्यूइनेस के लिए 2 है, मैट से लेके ड्यूई मेकअप तक इनके पास सारे फाउंडेशन अवेलेबल है, तो यू कैन चेक इट आउट। बाय द वे दिस वन इज़ N27 शेड। दूसरा वाला है मेरा लैक्मे एब्सोल्यूट वाइट इंटेंस स्किन कवर विद SPF, दिस वन इज़ इन आइवरी फेयर शेड, द फर्स्ट शेड इन दिस रेंज। ये मेरा एवरीडे मेकअप है, ये मेरा स्पेशल ओकेजन मेकअप है। इसका प्राइस है 1550 और इसका प्राइस है आई थिंक 750, बट ये ऑनलाइन 500-600 तक का मिल जाता है, सो आई यूज़ इट फॉर एवरीडे बेसिस, सो आई विल बी यूजिंग दिस वन टुडे। Let's get start. Fingers, Zindabad. So, take a little. अपने फेस पे पूरा लगाने से पहले मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा लेके लगाएं। जहाँ आपको कवरेज की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा लगाएं, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम लगाएं। See, सबका मेकअप रूटीन सबका अलग होता है, तो ये सिर्फ सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ दिस कैन वर्क फॉर मी, आप इसे यूज़ करें, अदरवाइज यू कैन फिगर इट आउट कि आपको कौन सा सूट करता है। फाउंडेशन लगाते हुए अपने नेक को कभी ना भूलें, कभी नहीं, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं अपने फेस पे बड़ा सारा माइक गिर गया, हाँ अपने फेस पे ना बड़ा सारा फाउंडेशन लगा लेते हैं, दे लुक लाइक वेरी फेयर ऑन द फेस, बट वो अपने नेक पे लगाना भूल जाते हैं फाउंडेशन, जिससे उनका फेस कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद लगता है, नेक बिल्कुल काली लगती है। सो अवॉइड करें ये करना, अपने नेक को भी बराबर का अटेंशन दें, इट डिज़र्व्स। थिंक वी आर डन विद दिस। अभी सर्दियाँ हैं तो इतना ज़्यादा फाउंडेशन की वजह से ऑयलीनेस नहीं होती है फेस पे, बट गर्मियों में बड़ी हो जाती है, तो गर्मियों में मेरा एक और स्टेप है टू यू नो मेक माई मेकअप सेट अ लिटल, मैं वही दिखा देती हूँ आपको। आप अगर आपकी ड्राई स्किन है आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप चाहते हो कि आपका मेकअप स्मूथ लगे, केकी ना हो और थोड़ा सा पूरा दिन चले, अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप पूरा दिन चले, तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये स्टेप है हमारा फेस पाउडर, ये लूज़ फेस पाउडर है बाय पलाडियो, राइस फेस पाउडर है, आप चाहो तो आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, सिंपल।
ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बनाना पाउडर्स भी अवेलेबल है, जो भी आपके फेस को सूट करता है जस्ट गो फॉर दैट वंस. ओके सो कोई शोशा नहीं, नॉर्मल एवरीडे गर्ल मेकअप. इसको मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे यूज़ करती हूँ. ये ऐसा दिखता है. लेट मी रिमूव सम. हाँ जी बिल्कुल तैयार. लेट्स मैं इसे पहले अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी, देन आई विल वाइप इट. इसे पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करना है, स्पेशली वहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपका टी जोन हो गया, आपका ऑयली जोन है जो भी फेस पे. मेरा टी जोन ही ऑयली जोन है, विच इज़ माई फोरहेड, माई नोज, माई चिन एंड दिस पोर्शंस ऑफ माई चीक्स. यहीं पे मेरे सबसे ज़्यादा ऑयल आता है, पसीना आता है, तो मैं उसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, बिकॉज वहीं पर मेकअप सबसे अजीब लगता है. सो ऑफ कोर्स डू द नेक, डू द नेक. फाउंडेशन लगाते हुए इस पोर्शन पे भी ध्यान देना है, जो आपकी हेयर लाइन है उस पे भी ध्यान देना है रिमूव करते हुए. जनरली हम मेकअप रिमूव करते हुए इस पोर्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका मेकअप की वजह से यहाँ पर बड़े सारे एक्ने हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं. तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो अच्छे से क्लीन करके अपने फेस को. हमारा हो गया है. सो लेट्स, तो ये था आपका बेस मेकअप. दिस इज़ योर बेस मेकअप. ओके दिस इज़ नाइसली डन. सो यू हैव टू लीव इट फॉर लाइक 5 मिनट्स ताकि सब कुछ सेटल हो जाए. एंड ट्राई नॉट टू स्पीक दैट टाइम आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद ये मेकअप धो देना है. बट या इफ़ यू वॉन्ट कि अगर आपका मेकअप पूरा दिन टिक जाए, तो ये जो भी स्टेप्स थे, कितने स्टेप्स थे, 1, 2, 3, 4, चार स्टेप्स थे. इन चार स्टेप्स के बाद जस्ट चुपचाप बैठ जाओ एक कोने में, ठीक है. तो उससे ना जो भी आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये इसमें केकी लाइंस नहीं लगेंगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप बिल्कुल परफेक्ट लगेगा. उसके बाद आप जितना चाहो बोल सकते हो, ठीक है. सो दिस इज डन. अच्छा ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज आई शैडो. ये है मेरी एवरीडे मेकअप आई शैडो, ठीक है. इसे आप शाम के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, दिन के टाइम भी यूज़ कर सकते हो. सो ये वाली है मेबेलिन की सिटी मिनी पैलेट इन रूफटॉप ब्रॉन्जर. इसमें बड़े सारे शेड्स अवेलेबल हैं, अलग अलग शेड्स हैं इसमें, जिसमें 6 आई शैडोज हैं. आप उनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. तो इसके लिए मैं अगेन द फिंगर फिंगर, मुझे आई शेडो लगाने में फिंगर अपनी, ये जो फिंगर की टिप है ये सबसे सही लगती है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ब्लेंड होता है. ब्रशेज से हम कर सकते हैं, बट ब्रशेज से आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू है वेस्टेज बड़ी ज़्यादा होती है. इसमें ब्रश पे लगता है, देन यू टैप इट, और फिर उसके बाद आप लगाओ, बड़ा इधर झड़ जाता है, कई बार झड़ जाता है, कई बार नहीं झड़ता, बट हाँ वेस्टेज बड़ी होती है. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी फिंगर का ही इस्तेमाल करूँ. सो सबसे पहले आप अपना बेस लगाएं. बेस में आप सबसे पहले थोड़ा लाइट कलर ही लगाएंगे, ताकि उसके ऊपर बाकी कलर्स थोड़ा सा स्टैंड आउट करें. सो मैं इसमें ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, टॉप वाला, ठीक है. अच्छे से अपनी आईलिड पे इसे लगाएं. लगाते हुए इमेजिन करें एक छोटा सा एक डी बना रही हैं आप अपने आईलिड पे. ओके स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर, ऐसे कर्व बनाते हुए इस कॉर्नर तक आए, ठीक है. और इस आउटवर्ड्स कॉर्नर की तरफ आप इसे थोड़ा सा ब्लेंड करें, ऐसे 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 नहीं, ऐसे, समझ रहे हैं आप. आई होप. तो इससे ना आपका कलर बहुत अच्छे से निकलेगा,
और ब्लेंडिंग भी बहुत प्यारी लगेगी, बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग लगेगी। ओके सो हमारा ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गया है। इसके बाद हम लगाएंगे एक थोड़ा सा डार्क शेड, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज़ कर सकती हो ऐसे। देन वील स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड गो टूवर्ड्स आउटवर्ड। हम ये इस मिडल पोर्शन से बाहर की तरफ जाएंगे। अब दूसरी वाले मिडल से बाहर की तरफ। देन इसमें जो भी सबसे लाइट शेड होगा, जैसे ये शेड है, आप इसे अपनी बिल्कुल छोटी वाली उंगली से लेंगे और अपनी आईज के इनर कॉर्नर पर लगाएंगे। और इसके लिए आप चाहो तो एक वाइट आई शेडो पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या लाइटर शेड ऑफ गोल्ड, कोई भी लाइट शेड ऑफ गोल्ड होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इनर कॉर्नर्स पे लगाने से ना आपकी आईज बड़ी लगती हैं और एक आई में ना एक ट्विंकल, एक ग्लो आ जाता है जो बहुत प्यारा लगता है देखने में। आपका डे मेकअप हो, आपका इवनिंग मेकअप हो, जो भी मेकअप हो, ये उसमें सबसे बेस्ट लगता है। ओके तो आईलाइनर, लेट मी बी ट्रू, मैं आईलाइनर में बिल्कुल नहीं हूँ अच्छी, मुझे बिल्कुल नहीं आता ठीक से आईलाइनर लगाना, बट आई ट्राई। मेरी आईज कभी भी एक जैसी नहीं दिखती है आईलाइनर लगाने पर। एंड आई एनवी गर्ल्स जो बहुत प्यारा आईलाइनर लगाती है ना, बाय गॉड बड़ी जलन होती है उनको देख के। बराबर करने में सबसे कुछ परफेक्ट, अगर गलती से भी आपका आईलाइनर थोड़ा सा स्मज हो जाए तो क्यूटिप से उसको ठीक कर। क्यूटिप यानी कॉटन बर्ड पे थोड़ा सा आप उसे लगाएं मेकअप रिमूवर, अब सिर्फ उसी स्पॉट पे लगाएं जिस पर आईलाइनर आपको क्या हुआ है, इससे क्या हुआ कि आप अपना आईलाइनर आराम से ठीक कर सकते हो, फिर उसके ऊपर टचअप कर सकते हो। मैं सब चीज़ें बड़ा अच्छा कर लेती हूँ, बस आईलाइनर यही नहीं होता। लड़कियाँ इतने अलग अलग स्टाइल के आईलाइनर कैसे लगा लेती हैं, आपको कितने स्टाइल के आईलाइनर आते हैं लगाने? मुझे तो नहीं पता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम आई लव बेटर, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा अपना खराब कर लिया है। तो फिर से एक और, आईलाइनर लगाने से पहले आई शैडो लगानी है क्योंकि
उसके ऊपर जब आपका आई शेडो पे आपका आईलाइनर लग सॉरी आईलाइनर के ऊपर जब आपका आई शेडो लगता है तो आईलाइनर थोड़ी सी स्मज हो जाती है या ब्लर हो जाती है, दिखती नहीं अच्छे से, तो वो इतना स्टैंड आउट नहीं करेगी. ओके सो इट्स डन आई थिंक प्रिटी मच द सेम. आप आईलाइनर स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं आता लगाना. आप चाहो तो पेंसिल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो. मैंने अभी लिक्विड आईलाइनर की दुनिया में कदम रखा है तो आई होप टू लर्न इन अ फ्यू ईयर्स और मंथ्स आई थिंक. ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द आईब्रो पेंसिल. ऑल दो मेरी आईब्रोज ठीक है बट जस्ट टू शो यू आप कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो. मैं यूज़ करती हूँ मुआ की, मेकअप रेवोल्यूशन की. एंड इसके अलावा मेरे पास इनिस्ट्री की है. बस थोड़ी सी फिलिंग चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए. देन उसको जो भी आपने क्रेयॉन लगाया है उसको थोड़ा सा इवन आउट करने के लिए जस्ट यूज़ द ब्रश. इससे आपको एक प्रॉपर शेप देने में हेल्प करेगी. हमेशा एंगुलर ही जाएं जिससे आपकी आईब्रोज बड़ी शार्प लगेंगी. वंस गो दिस दिस एंड देन ऐसे ठीक है, इट विल मेक देम स्टैंड आउट. ये काम में बड़ा अच्छा बनाती मसाले नहीं लगता है. ओके सो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम लगाएंगे ब्लश. ये है लॉरियल पेरिस का ल्यूसेंट मैजिक इन शेड, कौन सा शेड है, रोजी, इन शेड रोजी. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये ऐसा दिखता है, सॉरी ब्लशिंग किस 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 ब्लशिंग किस सॉरी ये ऐसा दिखता है. तो इसका हम पिंक वाला पोर्शन यूज़ करेंगे ठीक है, पिंक वाला पोर्शन ये वाला. इसमें तीन कलर्स आते हैं, ऑम्ब्रे में नीचे डार्क पिंक, ऊपर बीच में लाइट पिंक और सबसे ऊपर हाइलाइटर पिंक. तो अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है आप ये वाला पिंक यूज़ कर सकते हो. मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ माई ब्रश. ये ब्रश मुझे बहुत पसंद है. ब्रश ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जब आपका फाउंडेशन थोड़ा सा सेटल होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आपका ब्लश भी उसके साथ थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा और वो बहुत अजीब लगेगा. अगर आपने बहुत ज़्यादा लगाया हो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी चीक पे ना कुछ रखा हुआ है किसी ने या कुछ लग गई है चोट, तो अवॉइड करें बेटर होगा है ना. सो आई थिंक डन हियर या सही है. तो ये हो गया. अब इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप बचा है और वो है लिपस्टिक. मैं क्योंकि एवरीडे मेकअप है तो हम लगाएंगे एक मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक इन स्लाइटली सटल शेड. ये वाली है मिनीसो की, इसका शेड है रोज़, नंबर वन शेड है रोज़ इन कलर स्टे लिपस्टिक रेंज 1+1. ओके सो इट्स अ लिप क्रेयॉन सो हम वही यूज़ करेंगे. सो ये था हमारा मेकअप एवरीडे लुक के लिए. आप इसमें आई शेडोज का कलर चेंज करके, लिपस्टिक का कलर चेंज करके इसको आप इवनिंग का मेकअप या फिर वेडिंग का मेकअप भी कर सकते हो. प्रिटी मच इतने ही स्टेप्स होते हैं दूसरे मेकअप के लिए भी. बट अगर आपको चाहिए कि आपको आई शेडो लुक्स क्रिएट करनी है या कुछ भी क्रिएट करना है प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. And thank you so much for watching. Bye.